ठकुआ भी बोलते हैं। छठ पूजा के टाइम पे खस्ता बनता है, बट अभी छठ पूजा नहीं है, बट मेरा ना ठकुआ खाने का बहुत मन कर रहा था। चाय के साथ है अच्छा अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़े से बचे हैं, मैं बस अभी कर रही हूँ। अगर हेल्दी के मामले में, ये हेल्दी तो है ही, बट हमने जितना हो सकता है हमने इसमें आटा, ब्राउन शुगर और सूजी यूज किया है, और इलायची डाली है जिससे अच्छा टेस्ट आ रहा है खाने में, और सौंफ डाले हैं। हम मिक्स करके उसको मॉइन करना पड़ता है 5 मिनट के लिए, फिर आप उसको रख दो, एंड देन उसको जैसे आपने देखा होगा हमने कैसे कट पीसेस किए हैं, तो वैसे पीसेस करके फिर हम इसको बनाते हैं। आशीष का फेवरेट भी लिट्टी चोखा। ओके, बढ़िया है। मतलब गक्कड़ बोलते हैं इसको, गक्कड़ पावरी के साथ, पावरी। तो फिर अपन गैस रहने देते हैं, अपन कोयले पे हर रोज खाना बनाएंगे, है ना? ये हम हैं, ये हैं, ये तंदूर है, और यहाँ हमारी पावरी हो रही है। तो आज हम खा रहे हैं दोस्तों बट्टी, बट्टी बी ए टी टी आई, बट्टी, हाँ बट्टी, बट्टी, और ये है चोखा जो कि बैंगन का, एक तरह से बैंगन का भरता है। तो बैंगन इसमें हमने डाला है, बैंगन, आलू, कांदा, टमाटर, धनिया और हरी मिर्ची सब थोड़ा सा भून के फिर हमने उसको स्मैश करके फिर बनाया है। अब मैं आप लोगों को देखो, खाया नहीं तो मेरे मुंह से पानी आ रहा है, तो इसका जो स्मेल है ना अमेजिंग है, खासकर जब तंदूर में बनाओ। हाँ, इसको आप कोयले में तंदूर में ज़रूर बना के खाइए। अभी मैं ये पहला बट्टी खाने जा रही हूँ। इसमें थोड़ा सा घी लगाया गया है, जैसे मैंने शायद एक दो बार पहले खाया है बट बहुत ज़्यादा याद नहीं है। इस बार ट्राई करते हैं इस तरह से तंदूर में बना हुआ ये बट्टी चोखा। रोटी की जगह ये खा लो हर रोज, है ना? दो रोटी मत खाओ, दो बट्टी खा लो। इसको फिर चाय के साथ सुपर है गाइस, सुपर। इसका मैं क्या, बहुत सुपर बना है, डिलीशियस, टेस्टी, रियली यार। मैं स्पेशली अच्छा खाना खाती हूँ ना, तो अपनों को बहुत मिस करती हूँ, और ऐसा लगता है कि मैं सबको बुला के खिलाऊँ, बट कोविड का टाइम है, सबको नहीं बुला सकते, बट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ट्रस्ट मी गाइस, बहुत अच्छा है। अब मैं खाने का मजा लेती हूँ, आप लोगों से और बात नहीं, मिलते हैं बाद में।
आज जो हमने डिनर किया है बट्टी चोखा, और चोखा बहुत तीखा तीखा स्पाइसी सा था, तो उसके बाद ये आइसक्रीम तो बनता है जो कि आशीष ने मेरे स्पेशली लेके आके छुपा के रख दिए थे फ्रिज में, और अभी जस्ट मुझे आइसक्रीम मिला तो मैं बहुत खुश हूँ। और ये चॉकलेट आइसक्रीम है, कॉर्नेटो है, और इस आइसक्रीम के साथ और ढेर सारी मिठास के साथ हम मिलते हैं आप लोगों से एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।